कैसा होता अगर आप समय में पीछे जा सकते और अपने द्वारा की गई गलतियों को सुधार सकते। अगर हमारे पास टाइम मशीन होती तो क्या हम समय में पीछे जाकर अपने द्वारा की गई गलतियों को सच में सुधार सकते थे? आइए जानते हैं। आपने ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में तो सुना ही होगा। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के अनुसार हम समय में पीछे जाकर अपने द्वारा की गई गलतियों को नहीं बदल सकते। हालांकि कुछ लोग ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का भी सॉल्यूशन देते हैं। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स और इसका समाधान एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसे हम किसी दूसरी वीडियो में जानेंगे। फिलहाल तो हम एक ऐसे पैराडॉक्स को जानेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, और उस पैराडॉक्स का नाम है कैजुअल लूप पैराडॉक्स, और इसी को ही प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स भी बोलते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि समय एक सीधी रेखा की तरह आगे की ओर चलता जा रहा है। हम भूतकाल से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स की तो कुछ अलग ही कहानी है। प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स में समय एक क्लोज लूप यानी बंद लूप में चलता है। इस पैराडॉक्स के अनुसार हमें समय का कोई भी ओरिजिन पता नहीं होता, मतलब कि अगर क्लोज लूप में कोई घटना घटती है तो हम ये नहीं बता सकते कि वो घटना भूतकाल में घटी थी या वर्तमान में घटी है या फिर भविष्य में घटी होगी। कुछ समझ नहीं आया ना? चलो आसान भाषा में एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स पर 2014 में एक मूवी आई थी और उस मूवी का नाम था प्रीडेस्टिनेशन। इस मूवी में कैजुअल लूप पैराडॉक्स को बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है। तो आइए प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स को इस मूवी की स्टोरी के जरिए समझते हैं। मूवी का पहला सीन, एक बंदा एक बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक उस बंदे पर एक बॉम्बर जिसने बॉम्ब लगाया था वो बॉम्ब को डिफ्यूज कर रहे बंदे पर अटैक कर देता है। इस वजह से उन दोनों के बीच फाइट होती है, जिसकी वजह से समय गुजर जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में जो बंदा बॉम्ब को डिफ्यूज करने आया था उसका चेहरा बुरी तरह से जल जाता है। अब वो बंदा अपनी टाइम मशीन को लेने की कोशिश करता है, लेकिन जख्मी हालत में वो उस तक नहीं पहुंच पा रहा होता। तभी इसी बीच एक नए बंदे की एंट्री होती है और वो उस टाइम मशीन को उसे देने में सहायता करता है। दरअसल जो बंदा बॉम्ब को डिफ्यूज करने आया था वो फ्यूचर से आया था, तो अब वो अपनी टाइम मशीन के जरिए अपने उसी भविष्य के दौर में वापस चला जाता है। दरअसल हुआ ये था कि 1975 में एक बॉम्ब धमाका हुआ था जिसमें तकरीबन 10,000 लोग मारे गए थे, और जिसने ये बॉम्ब धमाका किया था उस बॉम्बर को फिजल बॉम्बर नाम दिया गया। फिजल बॉम्बर एक टेररिस्ट है जो कि कई बॉम्ब धमाके किए जा रहा है। एक सीक्रेट एजेंसी इन बॉम्ब धमाकों को रोकने के लिए काम कर रही है, और जो बंदा पास्ट में जाकर बॉम्ब को डिफ्यूज कर रहा था वो इसी सीक्रेट एजेंसी का एक एजेंट है। उस बॉम्ब धमाके में उसका चेहरा पूरी तरह से जलने के बाद प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा उसे एक नया चेहरा दिया जाता है। उसका थ्रोट भी जख्मी हो गया था, इसी वजह से उसकी आवाज़ भी बदल जाती है। प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा एजेंट का चेहरा तो ठीक हो जाता है, लेकिन अब इसके पास एक आखिरी मिशन बचा है। इसके बाद ये रिटायरमेंट लेने वाला है। अपने आखिरी मिशन को अंजाम देने के लिए ये एक बार फिर से पास्ट में समय यात्रा करता है, और ये 1970 के दौर में चला जाता है। उस दौर में ये एक बार में काम करना शुरू कर देता है। अब हम इस एजेंट को एक बारकीपर के नाम से जानेंगे। ये बारकीपर किसी का इंतजार कर रहा होता है, तभी वहाँ पर जॉन नाम का एक बंदा आता है। जॉन की बारकीपर से मुलाकात होती है और इन दोनों में बातचीत होती है। बातचीत के दौरान जॉन बारकीपर को अपने जीवन की पूरी दास्तान सुनाता है। जॉन बारकीपर को बताता है कि वो एक अनाथ लड़की था। चौंकिए मत, अब इस मूवी का एक अहम पहलू स्टार्ट होता है जो कि प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स को डिफाइन करेगा। जॉन बारकीपर को बताता है कि वो एक अनाथ लड़की था, मतलब एक अनाथ लड़की थी। उसको कोई अनाथालय के बाहर छोड़ गया था। उस लड़की का उस अनाथालय में पालन पोषण होता है और उसको जेनी नाम दिया जाता है। जेनी का बिहेवियर दूसरी लड़कियों से अलग था। जेनी फिजिकली और मेंटली काफ़ी स्ट्रांग थी, लेकिन फिर भी जेनी को किसी ने भी अडॉप्ट नहीं किया। जेनी जब बड़ी होती है तब उसकी मुलाकात मिस्टर रॉबर्टसन से होती है।
मिस्टर रॉबर्टसन जेनी को एक स्पेस कॉर्प में ले जाते हैं जहां फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग लड़कियों की ज़रूरत थी। जेनी वहां पर हुए सभी आईक्यू टेस्ट और फिजिकल टेस्ट में पास हो जाती है। जेनी सबसे यूनिक लड़की थी इसलिए वहां पर उसको कोई भी लड़की पसंद नहीं करती और उसकी एक लड़की से लड़ाई हो जाती है। सिलेक्शन के आखिरी दौर में सभी का मेडिकल टेस्ट होता है और उस मेडिकल टेस्ट में जेनी की मेडिकल रिपोर्ट चौंकाने वाली होती है। उस मेडिकल रिपोर्ट की वजह से जेनी का सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन वो लोग जेनी को उस मेडिकल रिपोर्ट के बारे में नहीं बताते बल्कि वो जेनी द्वारा की गई फाइट का बहाना लगाकर उसे निकाल देते हैं। जेनी निराश तो होती है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। जेनी को अब भी उम्मीद थी कि वो कुछ न कुछ बेहतर करेगी। इसी बीच जेनी की मुलाकात एक अजनबी लड़के से होती है। वो लड़का जेनी को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करता है। जेनी को उस लड़के से प्यार हो जाता है। कुछ समय बाद वो लड़का जेनी को छोड़कर चला जाता है। अब जेनी अकेली और प्रेग्नेंट हो जाती है। हॉस्पिटल में जेनी एक लड़की को जन्म देती है। डिलीवरी के बाद डॉक्टर जेनी को उसकी मेडिकल रिपोर्ट के बारे में बताता है। डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन मौजूद हैं, बस फीमेल पार्ट थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है। डॉक्टर अपनी बात को जारी रखते हुए जेनी को बताता है कि डिलीवरी के दौरान तुम्हारे गर्भाशय को निकालना पड़ा। डॉक्टर जेनी को सलाह देता है कि वो सर्जरी करा के अपना सेक्स चेंज करा ले। डिलीवरी के कुछ समय बाद कोई जेनी की बच्ची को हॉस्पिटल से चुरा ले जाता है। बेचारी जेनी के साथ शुरू से ही बुरा होता चला आ रहा है। खैर जेनी सर्जरी करा के अपना सेक्स चेंज करवा लेती है। सर्जरी के बाद जेनी के मेल हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं जिसकी वजह से उसकी आवाज़ भारी हो जाती है और वो एक पूर्ण मेल बन जाती है, मतलब बन जाता है। और वो अपना नाम जेनी से जॉन रख लेता है और उस बारकीपर से मिलता है जहां अपनी लाइफ की स्टोरी उसको बता रहा होता है। अब आप कहोगे कि अभी तक की स्टोरी में हमें प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स तो नज़र ही नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं कि यहां से आगे की स्टोरी आपके दिमाग को झकझोर देगी, तो ध्यान से देखिएगा। जेनी उर्फ जॉन बारकीपर को अपनी स्टोरी बताने के बाद उससे बोलता है कि अगर वो इंसान जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है उसके सामने आ गया तो वो उसको मार देगा। बारकीपर जॉन से बोलता है कि कैसा हो अगर मैं उस इंसान को जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की है तुम्हारे सामने खड़ा कर दूं, तो क्या तुम उसे मार सकते हो। बारकीपर जॉन को टाइम मशीन के बारे में बताता है। बारकीपर जॉन को पास्ट के उसी दौर में ले जाता है जहाँ जेनी से उस लड़के की मुलाकात हुई थी। जॉन पास्ट में जाकर उस लड़के का इंतज़ार कर ही रहा होता है कि अचानक जेनी आकर जॉन से टकरा जाती है। जॉन जानता है कि जेनी उसी का पास्ट का एक प्रतिरूप है, इसीलिए जॉन जेनी से पोलाइटली बात करता है। जेनी से इससे पहले ऐसे किसी ने भी बात नहीं की, इसलिए जेनी को जॉन पसंद आ जाता है। और दूसरी तरफ जॉन भी जेनी की सुंदरता पर मोहित हो जाता है और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। आपको बारकीपर का मिशन तो पता है ना कि उसको फिजल बॉम्बर को बॉम ब्लास्ट करने से रोकना है। तो बारकीपर जॉन को जेनी के पास समय के उसी दौर में छोड़कर टाइम ट्रेवल करके थोड़ा सा आगे जाता है और वो ठीक वहीं पहुंच जाता है जहां पर फिजल बॉम्बर ने बॉम्ब लगाया था। वहां पर बारकीपर की फिजल बॉम्बर से फाइट होती है। फाइट के दौरान फिजल बॉम्बर बारकीपर को घायल कर देता है। जब बारकीपर अपने आप को संभालता है तो उसको गोलियों के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। बारकीपर जल्दी से उस लोकेशन पर जाता है जहां गोलियां चल रही होती हैं और वहां देखता है कि वहां एक बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है जिसमें एक बंदे का चेहरा पूरी तरह से जल चुका है और वो अपनी टाइम मशीन को लेना चाह रहा है लेकिन नहीं ले पाता। तो वो बारकीपर उस घायल व्यक्ति की मदद करते हुए टाइम मशीन को उसकी तरफ करता है। मूवी का पहला सीन याद है ना आपको, जिसमें बारकीपर का चेहरा पूरी तरह से जल जाता है। तो इस सीन में वही घटना एक बार फिर से घटित होती है और वो बारकीपर खुद अपने ही दूसरे प्रतिरूप को टाइम मशीन देने में मदद करता है। अब वो बारकीपर फिर से समय के उसी दौर में वापस आ जाता है
जहां वो जेनी और जॉन को एक साथ छोड़कर गया था। बारकीपर टाइम ट्रेवल करके फिर से समय में थोड़ा आगे उस दौर में जाता है जब जेनी हॉस्पिटल में एक बच्ची को जन्म देती है। बारकीपर जेनी की उस बच्ची को हॉस्पिटल से चुरा लेता है और पास्ट में समय यात्रा करके उस दौर में जाता है जहां जेनी को कोई एक अनाथालय के बाहर छोड़कर गया था। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि बारकीपर ही होता है जो भविष्य से चुराई हुई बच्ची को उस अनाथालय के बाहर छोड़कर आ जाता है। मतलब अभी तक हमें ये बात समझ आई कि जो बच्ची अनाथालय के बाहर मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि खुद जेनी थी। मतलब जेनी ने अपने भविष्य से आए प्रतिरूप के साथ शारीरिक संबंध बनाए और अपनी ही कोख से खुद को ही जन्म दिया, जिसको कि बारकीपर चुरा कर उस अनाथालय के बाहर छोड़ आता है। हुआ ना दिमाग का दही। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही बोला था कि प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स में समय एक क्लोज लूप में चलता है जिसमें समय का कोई ओरिजिन नहीं होता। मतलब समय के उस लूप में हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी घटना फ्यूचर की है तो कौन सी घटना पास्ट की है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मुर्गी पहले आई थी या अंडा। खैर, प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स में समय का कोई ओरिजिन क्यों नहीं होता ये हम वीडियो के आखिर में जानेंगे। फिलहाल तो हम इस मूवी की स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। बारकीपर उस बच्ची को अनाथालय के बाहर छोड़कर फिर से समय के उसी दौर में वापस आ जाता है जहां जेनी और जॉन को छोड़कर गया था। बारकीपर जॉन को बुलाता है और जॉन को अपने उसी दौर में वापस जाने के लिए बोलता है जहां बारकीपर और जॉन पहले मिले थे। जॉन बारकीपर से बोलता है कि वो जेनी को छोड़कर नहीं जाएगा क्योंकि वो उससे प्यार करता है। बारकीपर जॉन को समझाता है और कहता है कि वो तुम खुद हो, जितना प्यार जेनी से तुम करते हो उतना ही प्यार जेनी से मैं करता हूँ। मतलब बारकीपर कोई और नहीं बल्कि जॉन खुद था जो आगे चलकर उस सीक्रेट एजेंसी को ज्वाइन करता है। और जब वो समय में पीछे जाकर बॉम्ब को डिफ्यूज कर रहा होता है तब उसका चेहरा जल जाता है और प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा एक नया चेहरा प्राप्त करता है। मतलब अब तक हमें ये पता चला कि जेनी, जॉन और इन दोनों की वो बच्ची और बारकीपर चारों एक ही इंसान हैं जो कि समय के अलग अलग अंतराल में मौजूद हैं। अब मैं इस मूवी की स्टोरी को ज़्यादा आगे नहीं खींचूंगा क्योंकि इस वीडियो में हम प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स को समझ रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। जो वो बारकीपर था वो आगे चलकर खुद ही फिजल बॉम्बर बन जाता है। चूंकि उसके पास टाइम मशीन थी इस वजह से वो समय के अलग अलग अंतराल में ब्लास्ट किए जा रहा था। अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है। फिजल बॉम्बर एक बुढ़ा इंसान था, मतलब बारकीपर आगे चलकर भविष्य में फिजल बॉम्बर बनेगा तो बारकीपर पास्ट में जाकर उन ब्लास्ट को रोकने की कोशिश क्यों कर रहा है जो ब्लास्ट उसने अभी तक किए ही नहीं। तो इसका जवाब हम पहले ही जान चुके हैं कि क्लोज लूप में समय का कोई भी ओरिजिन नहीं होता। मतलब कौन सी घटना पहले हुई थी और कौन सी घटना बाद में हुई थी हम इस बात को नहीं बता सकते और इसीलिए इसको टाइम ट्रेवल का एक पैराडॉक्स बोला जाता है। प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स के अनुसार अगर कोई घटना घट चुकी है तो पास्ट में जाकर उसको बदला नहीं जा सकता। अगर हम पास्ट में जाकर किसी घटना को रोकना चाहें या बदलना चाहें तब भी हम उस घटना को घटित होने से नहीं रोक सकते। अगर हम उस घटना को रोकने जाते हैं तो हम उस घटना को रोकने की बजाय उसको घटित होने में मदद करते हैं और हम खुद उस घटना के निमित्त बनते हैं। मतलब हम खुद उस घटना को अंजाम देते हैं। जैसे प्रीडेस्टिनेशन मूवी में बारकीपर जिन घटनाओं को बदलने की कोशिश कर रहा था तो वो खुद उन घटनाओं का शिकार हो रहा था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स हमारी रियल लाइफ पर भी लागू होता है? तो इसका जवाब है कि प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स अभी तक सिर्फ एक इमेजिनेशन है क्योंकि अभी तक टाइम मशीन का निर्माण नहीं हुआ है। मुझे पता है कि ये वीडियो अभी भी कुछ लोगों को समझ नहीं आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को एक बार फिर से देखें, आप सब कुछ समझ जाओगे। खैर, मैं आपको बता दूं कि ये इस चैनल का 100वां वीडियो है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त श्याम, फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।